तो राम राम भाई, सभी को दोबारा से आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में। और ये सोलो वर्सेस स्क्वाड का जो मैच था ना भाई, बिल्कुल एंड तक गया था। बट भाई मेरी एक गलती की वजह से मैं वो मैच पूरी तरह से, मतलब एक तरह से बोल सकते हो आप लोग, एंड में जाके हार गया, मतलब कि खत्म हो गया मैं। अब देखो भाई, मेरा और VSS का इतना पुराना रिश्ता है ना भाई, क्या बताऊँ आप लोगों को। मेरे को हर जगह बस VSS VSS मिलती है। अब पता नहीं क्या सीन है, पबजी खेलूँ या फिर फ्री फायर, मेरे को VSS बहुत ही ज़्यादा मिलती है। अब देखो यहाँ पर मुझे सबसे पहले मिल गई थी AUG, एंड उसके बाद में मेरे को जो ये पिस्टल थी, ये क्या थी पता नहीं, ये मिली पहले मिली थी बाद में मिली थी, एंड यहाँ पे मुझे मिल गई M10। तो भाई सबसे पहले मैंने हमने जो है पुरानी सी जो गन थी अपनी VSS, उसको ड्रॉप कर दिया। एक बात और कि VSS लेवल 3 की होने के बाद में एक बहुत ही अलग लेवल पे चलती है भाई, आप लोगों को पता होगा है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो जो मैं शुरू में उतर रहा था ना, तो यहाँ पे एक स्क्वाड थी जिसने मुझे जो है कन्फ्यूज करके इधर केप टाउन की साइड चले गए थे वो लोग। अब देख मैं सबसे पहले, अरे भाई ये क्या है भाई, इतना तगड़ा ग्लिच, वो ये तो धूम बन गया भाई, लिटरली इतना खतरनाक ग्लिच भाई साहब, ये क्या है यार। अब देखो यहाँ पे जो स्कोर थी ना, वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे आके लैंड कर गई, बट उसने बीच में मुझे कंफ्यूज कर दिया, इसकी वजह से मेरी स्पीड जो थी वो स्लो हो गई। लेकिन देखो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं बंदों को ढूंढता हूँ, बट मेरे को यहाँ पे एक भी बंदा नज़र में नहीं आता है। अब आई डोंट नो, पता नहीं वो बंदे भाग कहाँ गए थे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे एंड में जाते जाते मुझे एक गाड़ी का साउंड आता है, एंड पता नहीं वो इसी स्क्वाड का बंदा हो सकता है, हाँ था शायद। लेकिन मेरे को सबसे पहले लूट करनी थी बढ़िया सी, क्योंकि मेरे पास AUG और M10 थी। अब आपको पता है लेवल 1 की M10 का इतना ज़्यादा रेंज तो है नहीं, लेकिन मेरे पास स्किन है ये रेंज वाली, शायद इसकी रेंज है प्लस, मुझे कंफर्म तो नहीं पता कि इसकी रेंज प्लस है या नहीं है, लेकिन बढ़िया अच्छी खासी चल जाती है गन। एंड देखो लेवल 1 की M10 में बताऊँ एक एक बार तरीके से, तो 1v1 में अगर आप लोग खेल रहे हो लेवल 1 M10 से, तो नामुमकिन है भाई कि आप बंदे को फिनिश कर पाओगे। क्योंकि लॉन्ग रेंज में, अगर मिड रेंज में भी बंदा है ना, मतलब मिड रेंज मानो कि यहाँ से लेकर के आप 2-3 कदम मार लो इसके, इतनी ही रेंज मार लो इसकी ज़्यादा डैमेज देने पर। क्योंकि देखो ज़्यादा अगर रेंज में आप लोग रहोगे ना, तो M10 लेवल 3 का ही डैमेज बेटर लगता है मुझे, लेवल 0 का तो भाई बिल्कुल ख़त्म है भाई, कुछ भी कहो आप लोग। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने गन ढूंढी, लेकिन भाई थोड़ा सा आगे जाते हैं मुझे आता है एक लेम्बोर्गिनी का साउंड, पता नहीं वो कहाँ गया बंदा। सबसे पहले तो मैंने उसको रोकने की ट्राई की, अब देखो ऊपर की तरफ में आ रहा था साउंड, सबसे पहले मैंने AUG चलाई, वो बंदा नहीं रुका, फिर M10 चलाई भाई, क्योंकि AUG में सरप्रेशर लग रहा था, बंदा गायब भाई। मैं ऊपर गया तब तक वो बंदा दिखाई नहीं मेरे को भाई, इतनी तेज भगा के लेके गया गाड़ी को, क्या बताऊँ तुमको यार। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर गया, एंड ऊपर जाने के बाद में मुझे वो बंदा दिखाई नहीं भाई, पता नहीं कहाँ पे भाग गया। अब मेरे को लग रहा था कि वो बंदा इधर घूम घुमा के एयरशिप की तरफ जा रहा होगा, तो एक तरीके से उधर से जाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो लोग मतलब ऐसे जाएंगे ना, अगर वो अकेला था या पूरी स्क्वाड थी उसके साथ में, अगर वो यूं जाएगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है कट लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा दूर उसको पड़ेगा, तो वो शायद वो बंदा दोबारा से इधर आएगा, इसलिए मैं इधर आ गया। एंड देखो यहाँ पर क्या सीन होता है मेरे साथ में, मैं इस क्रेट को लूटता हूँ, एंड जस्ट मैं आगे की साइड निकलता हूँ, मुझे फिर से साउंड आता होगा गाड़ी का। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लूट की, यहाँ पे मेरे को इलेनर मिला, एंड आगे की तरफ में मेडी भी मिली, और आई थिंक मेरा बैग यहाँ पे फुल हो चुका था, क्योंकि AUG की और इसके शॉटगन की एमओ से पूरा बैग भर चुका था। एंड दोबारा से साउंड आता है, देखो अब ये गाड़ी का साउंड आया, बंदा देखो यहाँ से आया, एंड भाई ये गाड़ी में ग्लिच है यार ये कुछ। अब देखो इस गाड़ी को मैंने फोड़ दिया, एंड ये बंदा, इस बंदे को लिटरली पता नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ, ये बंदा खुद मौत के कुएं में आ गया भाई। देखो मतलब कितना भाई, मतलब एक तरीके से बंदे की भी गलती नहीं है, क्योंकि मेरी गन में सरप्रेसर लगा हुआ था, इस वजह से उस बंदे को पता नहीं चला। एंड इस बंदे को मैंने M10 से भी कहा था कि भाई आ जा वापस आ जा, ये बंदा अगर पहले आ जाता तो इसका ये हाल तो नहीं था कम से कम। अब यहाँ पे मैंने इस बंदे को कर दिया फिनिश, और अभी बारी थी मेरी एयरशिप की तरफ जाने की, बट तभी थोड़ी देर बाद में ही जो है अपने पीक पर एक बंदा रिवाइव देने लग जाता है। बट भाई देखो पीक पर रिवाइव देने से पहले इधर की साइड में एक बाउंटी बता सकता हूँ, हाँ बाउंटी था, एक बाउंटी टोकन आई थिंक यार, बाउंटी था यार शायद है ना, तो ऊपर की साइड था एक बंदा और आया। देखो यहाँ पर मतलब बाउंटी से पहले की बात है, अब यहाँ पर एक और बंदा आ चुका था, अब मेरे पास नेड नहीं था भाई यहाँ पर, अरे नेड होता ना तो मैं इस बंदे को इजीली फिनिश कर सकता था, या थोड़ा बहुत डैमेज देके इसके ऊपर मैं ओरियन से रश कर सकता था। लेकिन बात ये थी कि इस बंदे के पास भी हो सकता है नोकिया करेक्टर, तो मेरे को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि मेरा नोकिया करेक्टर तब तक डैमेज नहीं हुआ था, तो मैंने बंदे के ऊपर रश कर दिया कुछ भी सोचा नहीं। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत बंदे को डैमेज दिया 5-6 का, बट ये बंदा बच गया। मैं इसको सोच रहा था कि थोड़ा लो टाइप का बंदा है, इसको 1 टैप मारने की ट्राई करते हैं, बट भाई बंदा गेम खेल जाता है भाई लास्ट में। आप पता है क्या करते हैं बंदा, मतलब शायद तो ये भी मेरे को हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहा था, बट इसके बिल्कुल कन्फर्म हेडशॉट पड़े थे मेरे। एंड यहाँ पर देखो ये बंदा मेरे ऊपर रस करने के लिए आ रहा था, बट भाई हम दिमागदार ही है भाई,
ये बंदा मेरी स्ट्रेटेजी अपना रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बंदे को मैंने नोकिया करेक्टर ऑन कर दिया। जैसा कि मेरा शक था कि इस बंदे के पास भी नोकिया करेक्टर हो सकता है, तो इस बंदे के पास भी नोकिया करेक्टर था। बस दूसरा शक ये रहता है कि यार अगर बंदों के पास में अगर डिमित्री कैरेक्टर है तो भाई बचना लगभग नामुमकिन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे 2 किलो चुके थे। अब यहाँ से आगे का गेम प्ले में आपको सिर्फ किल्स ही किल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्लो नहीं हुआ इसके बाद में। एंड यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जो बाउंटी थी वो यूज़ हो रही थी, मतलब कि पता नहीं वो बंदा क्या कर रहा था। देखो ऊपर की साइड बाउंटी है, वहाँ पे जो है फायर भी हो रहा है। सबसे पहले गया मैं ऊपर की तरफ में। अब यार मेरे को बताओ उसको बाउंटी बोलते क्या बोलते। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नीचे देखा यार, नीचे कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा। ऊपर देखा, ऊपर 2 बंदे लैंड कर रहे थे। मैं कंफर्म हो गया कि यार ये बंदे पक्का यहाँ पे कोई बंदा इनको रिवाइव देने आया होगा। बट देखो यहाँ से एक बंदा बाहर निकला है ना, इस बंदे को मैंने 98 का ओवर 143 हेड के साथ में ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर ये बंदा उनका टीममेट है तो ये नॉक क्यों ना हुआ भाई। ये भी तो हो सकता है ना कि यार ये बंदा डायरेक्टली फिनिश हुआ है तो कोई और रीज़न होगा। बट भाई टीममेट जिंदा है इसकी भाई। अब 3 किलो चुके थे, गाड़ी के पीछे थी लड़की। अब ये लड़की भी थोड़ी सी डेंजर मुझे लग रही थी, बिकॉज इसके पास में बनी वाला बंडल था। एंड भाई इन बंदों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। एंड यहाँ पे सबसे पहले फेंका मैंने नेड, एकदम परफेक्ट गया था भाई। वो लड़की अपनी जगह छोड़ते ही वहाँ से भाग गई, एंड उसको 150 का फटका पड़ गया। अब यहाँ से डैमेज देता है, इससे पहले वो लड़की चली गई। एंड यहाँ पे आके रुक गई भाई, वो पीछे आके आराम से पेड़ के पीछे जाके बैठ सकती थी, बट उसने नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने बंदे को भी नॉक कर दिया। एंड इसका टीममेट को ढूंढने लगा भाई, लेकिन इसका टीममेट नहीं मिला मुझे। एनिमेशन के साथ में इस बंदी को भी मैंने ख़त्म कर दिया। अभी भी 20 बंदे अलाइव थे, एंड इनमें मान लो कि 6 किल मेरे ही हैं, क्योंकि 6 किल करने के बाद में मैं फिनिश हो गया था। तो फिनिश के आगे की प्रोसेस नहीं बता सकता भाई, क्योंकि इतनी बुरी मौत हुई थी मेरी इस वाले मैच में भाई। वो तो हर मैच में होती है भाई, सोलो वर्सेस स्क्वाड में अगर चारों तरफ से बंदे मारते हैं तो भाई सोच सकते हो भाई आप लोग, बंदे ऐसे ही ऐसे करते हैं। अब देखो इसका टीममेट को मैं ढूंढ रहा था, एंड लिटरली आगे की साइड में ड्रोन था, और ड्रोन में मुझे बंदा दिख गया भाई। अब मेरे को लगा इसका टीममेट हो सकता है, कन्फर्म तो नहीं है बट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आसपास देखा कि इसका बंदा दिखाई तो नहीं दे रहा है, शायद छपरी में। लेकिन छपरी में नहीं था भाई, एरो आगे आ रहा था, तो शायद इस वाले घर में। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते वो बंदा खुद ही बाहर निकल के भाग गया भाई। आई डोंट नो क्यों, उसके पास गन नहीं थी शायद, उसके पास छोटू शॉटगन थी भाई। क्योंकि ये एक मेरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस गन है मेरे लिए, तो क्योंकि इस गन के हाथ में आते ही मैं बंदों में घुस जाता हूँ डायरेक्टली। मतलब वो चीज़ आपको पता नहीं अब तक, लेकिन मेरे साथ होता है बहुत बार ऐसा कि मैं छोटू शॉटगन से भी फिनिश हो जाता हूँ। अब देखो सामने की तरफ में मुझे एक और बंदा दिख चुका था, एंड ये चीज़ कन्फर्म है कि उस बंदे ने मुझे देख लिया था। ये चीज़ तो मुझे गेम में भी पता थी कि हाँ भाई इस बंदे ने मुझे देख लिया था। अब इस बंदे ने मेरे ऊपर कर दिया फायर, लेकिन भाई उस बंदे को पता है मेरे पास परमानेंट कवर, इतना बड़ा परमानेंट कवर, लेकिन वो बंदा फिर भी रेस करने के लिए आ रहा भाई। मतलब इतना भोंदू बंदा यार। अब इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। अब पता है भाई न्यू बंदा था शायद, इसलिए थोड़ा सा वीक था या पता नहीं। अब देखो इसके पास इंजेक्शन भी था भाई। अब इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। पीछे की साइड देखो यहाँ पर एक और बंदा आ रहा था भाई। मैंने देखा कि यार कोई बात नहीं, अगर ये पीछे साइड में एक और बंदा आ रहा है तो इसको भी फिनिश करते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं फटाफट से। एंड देखो भाई यहाँ पर क्या सीन होता है मेरे साथ में, इस बंदे के डोट ना आने के बाद ही यहाँ पे 3 बंदे और स्पॉट होते हैं। मतलब जस्ट इन सेकेंड यहाँ पे 3 बंदे कहाँ से भाई, पूरी की पूरी स्कोर दिखा रहा है। देखो मतलब आई थिंक मैंने यहाँ पे पूरी स्कोर को फिनिश किया था। ड्रोन में 5 बंदे दिखा रहा है देखो अब ऊपर, मतलब इतने सारे बंदे कहाँ से आते भाई। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने इनकी स्कोर को फिनिश करने का सोचा कि यार चलो इनकी स्कोर को फिनिश कर देते सबसे पहले। तो यहाँ पे इस बंदे को मैंने सबसे पहले तो डैमेज दिया, एंड इस बंदे को मैंने थोड़े बहुत बॉडी और हेडशॉट के साथ में नॉक कर दिया। एंड भाई बारी थी इनको फिनिश करने की, क्योंकि मेरे पास अब AR की एमो नहीं थी ना, और इस बंदे के पास में मेरे को पता है क्या मिला, Level 3 की M40। ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा काम में आई। एंड ये बंदा था यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। कोई भी डाउट नहीं था यहाँ पे मेरा कि यहाँ पे बंदी पूरे की पूरे फिनिश हो चुके हैं। बंदा बंदी जितने भी थे ये पूरे फिनिश हो चुके हैं। अब मैं ढूंढ रहा था Level 3 की M40 जो कि मुझे इस वाले क्रेड में मिली। एंड भाई डैमेज थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था ड्रोन का, मतलब जोन का, सॉरी ड्रोन या डैमेज थोड़ी देता है यार। तो यहाँ पे जोन का डैमेज बढ़ने वाला था थोड़ा बहुत, तो मैं भाई फटाफट से निकलूँ जोन में। ये कहकर मैं आगे चला, लेकिन यहाँ पे मेरे को आगे की तरफ में पता है क्या चीज़ दिखी, यहाँ पे मुझे दिखी एक जीप। बट उस जीप के पास में बंदा था या नहीं था ये चीज़ मुझे कन्फर्म नहीं थी। बट यहाँ पे एक बंदा लूट कर रहा था भाई। अब इस बंदे को मैंने थोड़ा बहुत दिया डैमेज इससे भी, बट ये बंदा बच गया भाई। अब भाई कहाँ से बच सकता है यार ये, यहाँ पर इसको मैंने फिनिश भी कर दिया। और इसी के साथ में इस वाले वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।